इस दर्द को हम कैसे बयां करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंदन का दर्द खत्म नहीं हुआ था कि हमारे यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में हर्ष का हत्या हो गया। सही में मोदी जी कह रहे थे मुजरा वाली बात है, ये मुजरा कर रही है, ये मुजरा कर रही है ये बिहार की प्रशासन। लोग पूछते हैं, नेता पूछते हैं, अरे भाई पटना यूनिवर्सिटी में मर्डर हुआ है, वो किस जाति से था, राजपूत था कि भूमिहार था कि जादव था, थोड़ा बता दो। सारण में हत्या हुआ है चंदन का, तो लोग पूछते हैं मारने वाला को कौन सा जात था, मरने वाला कौन सा जात था। कोई ये क्यों नहीं कहता है किसी माँ का वो एक बेटा था, किसी भाई का वो, किसी बहन का वो एक भाई था। कोई किसी को ठंडा कर रहे हैं तो कोई किसी को मुजरा करवा रहे हैं, कोई किसी को मर्डर करवा रहे हैं तो कोई किसी को उल्टा लटका रहे हैं। आप मुजरा वाली को जो टिकट दे रहे हैं, मुजरा वाली सबको आप चुनावी दौरा और सभा करवा रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को मुजरा शब्द ज़्यादा दिख रहा है। प्रधानमंत्री हो के इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं, मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। देश की राजनीति में इन दिनों प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया वक्तव्य मुजरा काफी ट्रेंड कर रहा है। अब क्या बिहार की राजनीति में भी मुजरा उसी तरह ट्रेंड कर रहा है? एक तरह से जंगल राज का परिचायक का उदाहरण दिया जाता था लालू सरकार के लिए, लालू यादव के शासनकाल के लिए जंगल राज का परिचायक दिया जाता है, फिर उसी तरह की घटना लगातार बिहार में दोहराती नजर आ रही है। चाहे वो हर्ष हत्याकांड हो पटना यूनिवर्सिटी का, या फिर चंदन यादव हत्याकांड हो सारण लोकसभा चुनाव का, और भी कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या बिहार की राजनीति में मुजरा कर रही है प्रशासन, मुजरा उन तमाम अपराधियों के सामने जो कानून को ताक पर रख करके अपना कर्तव्य दिखाते हैं, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मुजरा वाली शब्द पे, तो मुजरा पर बवाल होना ही था। तो सवाल उठता है कि मुजरा कौन कर रहा है? क्या बिहार की प्रशासन शासन वाकई में मुजरा कर रही है असामाजिक तत्वों के आगे या फिर गुंडों के आगे? हमारे साथ में प्रिया राज हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और राष्ट्रीय जनता दल से संबंध रखते हैं। बिहार की राजनीति में मुजरा और देश की राजनीति में मुजरा बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, और जो अभी चल रहा है चाहे चंदन यादव हत्याकांड देखते हैं या फिर हर्ष हत्याकांड पटना यूनिवर्सिटी जो कि चर्चित यूनिवर्सिटी है देश लेवल पे, किस रूप में देख रहे हैं आप बताइए? एक प्रधानमंत्री हो के इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं, मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। जब प्रधानमंत्री इस चीज़ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कोई किसी को ठंडा कर रहे हैं तो कोई किसी को मुजरा करवा रहे हैं, कोई किसी को मर्डर करवा रहे हैं तो कोई किसी को उल्टा लटका रहे हैं। तो बिहार में कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की सरकार में कितने लोग सुरक्षित हैं? आम जन कितना सुरक्षित है? छात्र कितना सुरक्षित है? युवा कितना सुरक्षित है? जाके पूछिए उन लोगों से। मोदी जी पूरे 5 साल में हमको लगता है 1-2 बार बिहार आए होंगे, लेकिन पूरे चुनाव में वो कितने बार बिहार आ गए हैं, जाके उनसे ये भी सवाल पूछ लीजिएगा, कितना बार आपको क्यों आना पड़ा बिहार? बिहार ने तो उनके साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया। पिछले चुनाव में बिहार ने उनको 39 सांसद देने का काम किया, लेकिन फिर जब दोबारा वो बिहार आते हैं तो वो कहते हैं कि लालटेन लेके मुजरा करो। जितने लालटेनियाँ हैं वो मुजरा करेंगे लालटेन लेके। तो जितने समाजवादी लोग हैं, जितने जो परिपक्व लोग हैं, जो अच्छे राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, तो सबको आप मुजरा करवा दे रहे हैं। आप मुजरा वाली को जो टिकट दे रहे हैं, मुजरा वाली सबको आप चुनावी दौरा और सभा करवा रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को मुजरा शब्द ज़्यादा दिख रहा है, मुजरा शब्द का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी के चुनावी टिकट में आप देखे होंगे, जितने प्रत्याशी को दिए होंगे, कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो मुजरा करती थी, आपको पता ही होगा। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि मोदी जी जिसको टिकट दिए हैं वो कभी मुजरा करती थी और अभी भी मुजरा करती हैं। तो मुजरा शब्द तो आएगा ही, और ख़ास करके ये बिहार है, बिहार में आप कुछ भी बोल लीजिएगा ना मोदी जी, तो आपका नहीं चलने वाला है। आप कहीं भी फरफरा लीजिएगा, उड़ लीजिएगा, लेकिन बिहार आइएगा तो आपको शांत होना पड़ेगा। आपके जितने भी नेता हैं सब भड़काऊ बयान दे रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, सब अनर्गल
कभी देखे हैं तेजस्वी जी को कभी उल्टा पुल्टा बयान देते हुए, या लालू यादव जी को कभी देखे हैं किसी नेता के प्रति उल्टा पुल्टा बयान देते हुए? लेकिन भाजपा वाला का पूरा आपा खो चुके हैं, वो लग रहा है इस बार चुनाव में वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वो आपा खो रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। अभी जितने भी नेता है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, आप देख लिए होंगे सारण की घटना कितना बड़ा घटना है। मेरे पास शब्द नहीं है कि चंदन के लिए हम कुछ बोले। मेरे अंदर वो दर्द है जिस दर्द को हम कैसे बयां करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंदन का दर्द खत्म नहीं हुआ था कि हमारे यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में हर्ष का हत्या हो गया, हर्ष को मार मार के मर्डर कर दिया गया। ऐसे गुंडों का मनोबल कैसे हाई होता है, कैसे इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कोई किसी को मार दे रहा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोग पूछते हैं, नेता पूछते हैं कि अरे भाई पटना यूनिवर्सिटी में मर्डर हुआ है, वो किस जाति से था, राजपूत था कि भूमिहार था कि यादव था, थोड़ा बता दो। सारण में हत्या हुआ है चंदन का, तो लोग पूछते हैं मारने वाला को कौन सा जात था, मरने वाला कौन सा जात था। कोई ये क्यों नहीं कहता है किसी माँ का वो एक बेटा था, किसी भाई का वो, किसी बहन का वो एक भाई था, ये कोई नहीं बोलता है। सब बिहार में सब जातीय उन्माद फैला के जाति में रंग दे देते हैं, सब अपनी जात की बात करने लगते हैं, लेकिन जात वाले नेता भी जात का काम नहीं आते हैं, ये आप समझ लीजिए। जो भी युवा भाई जात जात करते हैं, चाहे हम ही क्यों नहीं कर रहे हो, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की हम क्यों नहीं बात कर रहे हो, लेकिन उस समाज का नेता जब हमारे साथ कुछ होता है तो उस समाज का नेता ना देखने आता है, ना सुनने आता है, ना बोलने आता है, सिर्फ जात 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 करके। अभी चुनावी सभा हो रहा है, चुनावी माहौल है, कितने लोग गए हैं चंदन पे, चंदन के घर मिलने के लिए, कितने लोग गए हैं हर्ष के घर पे मिलने के लिए। हर्ष की माँ का वो आंसू आप देखिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, चंदन का पिता से मिलिएगा तो लगेगा कि नहीं, हम उससे आंख नहीं मिला पाएंगे। ना चंदन के पिता को, ना चंदन को न्याय मिला, ना हर्ष को न्याय मिलेगा। उसको भी मिलावट मिली भगत करके जो मेन अपराधी रहेगा उसको गुमराह करके, ये हमारे जात का है, इस जात का हमारा नेता है, इसको छोड़ दो, कुछ लोगों को पकड़ लेंगे, फिर जो मेन आरोपी रहेंगे उसको छोड़ देंगे। आज आप देखे होंगे संतोष रेणु यादव जो एक आवाज बने थे, मेरा इसी पे सवाल था कि बिहार अब किस ओर जा रहा है, क्या अब बोलना भी गुनाह है बिहार में, क्योंकि जिस तरह से सुशासन की राज में बोल नहीं सकते हैं, ये लोकतंत्र नहीं अब राजतंत्र हो गया है। बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया है, राजतंत्र आ गया है, और राजतंत्र में आप बोल नहीं सकते, सिर्फ नेता बोलेगा और आप सुनेंगे, सिर्फ प्रशासन बोलेगा आप सुनेंगे, अगर आप कुछ बोलिएगा तो आपको जेल में ठूस देंगे, और ऐसे ठूसेंगे जैसे लगेगा कि आप किसी का मर्डर करके आए हैं। आज संतोष रेणु यादव को जेल में बंद करके ये प्रशासन साबित कर दी है कि सही में मोदी जी कह रहे थे मुजरा वाली बातें, ये मुजरा कर रही है, ये मुजरा कर रही है ये बिहार की प्रशासन। ये संतोष रेणु यादव को ब्लैक दुपट्टा ओढ़ा के बांध करके लग रहा था कुख्यात अपराधी है, किसी को मर्डर करके आए हैं। एक नॉर्मल एक आम इंसान एक बयान पे आप इस तरह से अरेस्ट करते हैं, और मेन जो आरोपी है चंदन का वो अभी तक गिरफ्तार है। राजीव प्रताप रूडी इतना बड़ा बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती और चलती रह जाती है और चलना भी चाहिए, तो उनको कोई क्यों नहीं छुआ, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी भाजपा के सांसद थे, और जो भी लोग भाजपा के हैं खास करके उनको कुछ नहीं हो सकता है, चाहे आप कितनों को मर्डर कर दीजिए, चाहे बलात्कार कर दीजिए, या कुछ भी कर दीजिए, अगर भाजपा में हैं तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। यही राजीव प्रताप रूडी कुछ दिन पहले जब कोरोना काल में एम्बुलेंस छुपा के रखे थे तो पप्पू यादव इसका पर्दाफाश किए थे, तो राजीव प्रताप रूडी को जेल नहीं हुआ, पप्पू यादव को जेल हो गया। आज वही समय फिर से दोहरा रहा है, राजीव प्रताप रूडी को जेल नहीं हुआ, संतोष रेणु यादव का जेल हो गया है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, सब अपनी पार्टी का बात करेगा, हम इस पार्टी से है, हम उस पार्टी से है, और पार्टी पार्टी करके कई युवाओं को जान चला जाता है, कोई देखने वाले नहीं होता है। हम सभी युवा भाई से यही कहना चाहते हैं कि अपना सुरक्षा आपको खुद करना पड़ेगा। बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, बिहार में राक्षस राज है, ये लोग राम राज करते करते बिहार में राक्षस राज ला दिए हैं।
खुद अब डर लग रहा है लोगों को चलने में, लोगों को बोलने में और पढ़ने में भी। पटना यूनिवर्सिटी में सभी लोगों सभी बच्चों को फ़ोन आ रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी से नाम कटवा लो, वहाँ पढ़ना नहीं है, वहाँ गुंडागर्दी हो रहा है। और गुंडागर्दी कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है, कौन जवाब देगा? प्रशासन कहाँ सोई रहती है? बच्चे का मनोबल इतना क्यों बड़ा होता है? आज चार आदमी मिलके किसी का मर्डर कर दिया है, चार आदमी के चक्कर में, चार बच्चों के चक्कर में आज पूरा पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बंद हो गया है। सभी बच्चे कहाँ जाएंगे? सबका पढ़ाई चौपट हो गया है। तो बिहार में अब पढ़ाई और शिक्षा से किसी को मतलब नहीं रहा है। राज्यपाल खुद इस तरह का संज्ञान लेते हैं और राज्यपाल जी खुद बोलते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के सारे हॉस्टल को बंद कर दो। हॉस्टल क्यों बंद होगा? हॉस्टल क्यों बंद होगा? आपके अंदर में वो पावर नहीं है या आपके अंदर में वो शक्ति नहीं है कि आप क्राइम को रोक सके? आप क्राइम को रोक क्यों नहीं रहे हैं? आप हॉस्टल के नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि आप क्यों नहीं सुरक्षा दे रहे हैं बच्चों को? हॉस्टल में बच्चा सेफ क्यों नहीं है, आप बता दीजिए। पटना यूनिवर्सिटी में सभी बच्चों को घर भेज रहे हैं, एग्जाम का टाइम है, बच्चा कैसे पढ़ेगा, कहाँ जाएगा? सबका पढ़ाई चौपट हो गया, सबका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन राज्यपाल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और बोल रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के सारे हॉस्टल बंद कर दो, और बच्चों को बोल रहे हैं बोरिया बिस्तर बांधो, घर चले जाओ, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। अरे भाई, कुछ भी हो जाएगा तो प्रशासन क्या कर रही है बिहार में? प्रशासन मुजरा कर रही है बिहार में? प्रशासन क्यों नहीं सुरक्षा दे रही है? और ये सुशासन की जो सरकारें हैं वो क्यों नहीं सुरक्षा दे रही है? जब हमको खुद ही सुरक्षा करना है अपना, हम खुद घर चले जाएंगे। बिहार में पढ़ाई का माहौल नहीं है, आपको डर लग रहा है कि आप पटना में नहीं रहिए, नहीं पढ़िए, घर चले जाइए, तो खत्म कर दीजिए। लोकतंत्र तो पहले ही खत्म हो गया, खड़े राजतंत्र अपना लीजिए और चलाइए शासन, चलाइए राजतंत्र। अब बिहार में वही हो रहा है, बिहार में कोई नहीं देखने वाला है और बिहार में एकदम डर का भय हो चुका है, और खास करके पटना में सभी छात्र डरे हुए हैं और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये राक्षस राज आ चुका है। यहाँ खुद की सुरक्षा खुद करना पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, तो क्या बिहार में राक्षस राज आ गया है? प्रिया राज का दावा है और प्रिया राज छात्र हैं, पटना यूनिवर्सिटी के हैं और राष्ट्रीय जनता दल से संबंध रखते हैं। तो जंगल राज का जो परिचायक दिया जाता था लालू सरकार में, वो 90 के दशक में, क्या उससे बेहतर है या फिर उससे उलट है? और जो पटना यूनिवर्सिटी का नाम पूरे दुनिया भर में मशहूर है, पटना यूनिवर्सिटी ने कई नेता दिया, कई IAS अफसर दिए, कई IPS अफसर दिए, तो क्या पटना यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है? क्या पटना यूनिवर्सिटी का स्तर अब गिर गया है? क्या पटना यूनिवर्सिटी अब सिर्फ धरोहर बन के ही सीमित रह जाएगा? क्या पटना यूनिवर्सिटी को संवारने के लिए कोई आगे नहीं आएगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।